आज के इस गरिमा सभर महापर्व में गुजरात राज्य के सम्माननीय राज्यपाल श्रीमान ओपी कोहली जी की गरिमामय उपस्थिति से आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है। आइए करबद्ध निवेदन करते हैं सम्माननीय राज्यपाल श्रीमान ओपी कोहली जी को कि वो अपने प्रेरणादायी वक्तव्य से हमें कृतज्ञ करें। करबद्ध निवेदन करते हैं राज्यपाल श्रीमान ओपी कोहली जी को। पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव महाराज जी, आदरणीय श्री रमेश ओझा जी, मंच पर विराजमान आदरणीय श्री विजय भाई रूपाणी जी, आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी, आदरणीय श्री नितिन भाई पटेल जी, आदरणीय श्रीमती आनंदी बहन पटेल जी और इस मैदान में उपस्थित आप सभी भाइयों और बहनों, आज भारतवर्ष के साथ समग्र विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। भारतवासियों के लिए आज गौरव दिवस है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आग्रह पर योग के महत्व को मान्यता देते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। तब से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग भारत का विश्व को अनूठा वरदान है। विश्व में सुख शांति एकता भाईचारा दृढ़ बनाने का केवल एक उत्तम मार्ग योग साधना है। इस मार्ग पर चलकर हम अपना तथा विश्व का कल्याण करते हुए वेद के आदेशानुसार 100 वर्ष तक निरोगी जीवन व्यतीत कर सकते हैं और ईश्वर के द्वारा निर्मित इस सुंदर श्रेष्ठ सृष्टि के परिवेश में सुख चैन के साथ आनंदित रह सकते हैं। प्राचीन काल से ही हमें हमारे ऋषि मुनियों मनीषियों ने योग विद्या की मूल्यवान भेंट दी है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज समग्र विश्व योग विद्या के प्रति आकर्षित हुआ है और योग विद्या से मिलने वाले लाभ प्राप्त करने हेतु उत्साहित है। प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति में योग का महत्व सर्वाधिक माना गया है। योग केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, यह मन और शरीर दोनों को साधने और संतुलित रखने वाली क्रिया है। योग के संबंध में कहा गया है, समत्वम योग उच्यते। शरीर को मन के साथ जोड़ने, मन को आत्मा के साथ जोड़ने और आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने की विद्या योग विद्या है। योग से हमारे कार्यों में कौशल आता है, हमारे कार्य बेहतर तरीके से संपादित होते हैं। योगः कर्मसु कौशलम्। आधुनिक जीवन शैली से पैदा होने वाले हमारे शारीरिक और मानसिक रोगों के उपचार की भी योग में अनोखी ताकत है। इन सभी कारणों से विश्व भर में लोगों को योग ने आकर्षित किया है। मुझे ज्ञात हुआ है कि देश के विभिन्न हिस्सों से पधारे योग साधकों ने योग निदर्शन में अद्भुत योग के प्रयोग करके नए विक्रम स्थापित किए हैं। मैं उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि वे योग को अधिक से अधिक प्रचारित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। योग का एक आयाम इसमें निहित चिकित्सा की क्षमता है। देश विदेश में अनेक लोग चिकित्सा हेतु योग का सहारा ले रहे हैं। आज की जीवन शैली अनेक प्रकार के रोगों और तनावों को जन्म देती है। योग द्वारा शारीरिक और मानसिक रोगों की चिकित्सा की जाती है। हम अपने प्राचीन ज्ञान की अमूल्य पूंजी को भूलते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस अवसर पर आज के इस भव्य समारोह में विश्व प्रसिद्ध योग ऋषि स्वामी रामदेव महाराज की विशेष उपस्थिति ने सभी को उत्साहित किया है। विशेष रूप से हमारे युवाओं को योग के प्रति जागरूक बनाने में यह समारोह मील का पत्थर सिद्ध होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज के इस ऐतिहासिक क्षण पर मैं गुजरात सरकार, स्वामी रामदेव महाराज और पतंजलि योग समिति के योग साधकों तथा राज्य के नागरिकों, युवाओं और सभी सहयोगी संस्थाओं को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मेरा नागरिकों से अनुरोध है कि वे योग को अपने स्वस्थ जीवन के लिए महत्व प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद।